अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम यूक्रेन और रशिया की मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करेंगे। आज हम रशिया और यूक्रेन की मिलिट्री पावर, वर्ल्ड पावर रैंक, लैंड फोर्स, एयर फोर्स और नेवल फोर्स की पावर का कंपैरिजन करेंगे। हम देखेंगे कि कौन सा मुल्क 2021 में ज़्यादा ताकतवर है। नाज़रीन मोहतरम, ग्लोबल पावर रैंक में यूक्रेन 140 ममालिक में से 25वें नंबर पर आता है, जबकि रशिया ग्लोबल पावर रैंक में 140 में से दूसरे नंबर पर आता है। यूक्रेन के मिलिट्री के डिफेंस का बजट 9.6 बिलियन US डॉलर्स है। रशिया की मिलिट्री के डिफेंस का बजट 42.3 बिलियन US डॉलर्स है। यूक्रेन की मिलिट्री में 2,55,000 एक्टिव मेंबर्स हैं और 9,00,000 रिजर्व मेंबर्स हैं। इसके अलावा अगर 90,000 पैरामिलिट्री को भी शामिल कर लिया जाए तो यूक्रेन की टोटल मिलिट्री की तादाद 12,45,000 तक पहुंच जाती है। रशिया की मिलिट्री में 10,14,000 एक्टिव मेंबर्स हैं, जबकि 20,000 रिजर्व मेंबर्स की है। इसके अलावा 5,55,000 पैरामिलिट्री को भी शामिल कर लिया जाए तो रशिया की टोटल मिलिट्री की तादाद 35,69,000 के लगभग बनती है। अगर बात की जाए लैंड फोर्स की तो यूक्रेन के पास टोटल टैंक्स की तादाद 2,430 हैं। इसके मुकाबले में रशिया के पास टोटल टैंक्स की तादाद 13,000 है। T-84 यूक्रेन का मेन बैटल टैंक है। इसे यूक्रेन आर्मर्ड फोर्सेस ने तैयार किया है। इसमें 125 mm की KBA-3 स्मूथबोर गन नसब होती है। इसके अलावा 120 mm की स्मूथबोर गन भी नसब की गई है, जबकि सेकेंडरी वेपन्स में 7.62 mm की क्वैक्जियल मशीन गन और 12.7 mm के TNT एयरक्राफ्ट मशीन गन भी नसब होती है। T-84 टैंक में KMDB-6TD2 डीजल इंजन नसब किया गया है, जो 63 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर तय करने की सलाहियत रखता है। T-84 टैंक की ऑपरेशनल रेंज 540 किलोमीटर है। रशिया के T-14 अर्माटा मेन बैटल टैंक है। ये फर्स्ट सीरीज का नेक्स्ट जनरेशन का टैंक है। इसे दुनिया के ताकतवर तीन टैंक्स में शुमार किया जाता है। इसे ओरल डिजाइन ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट मशीन बिल्डिंग ने डिजाइन किया है। इसमें 125 mm की 2A-82-1M समूथ बोरगन नसब होती है, जबकि सेकेंडरी वेपन में 12.7 mm की कार मशीन गन और 7.62 mm की PKTM मशीन गन भी नसब होती है। T-14 टैंक में 1500 हॉर्स पावर का इंजन लगा होता है, जो 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर तय करने की सलाहियत रखता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर है। यूक्रेन के पास 11,435 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। रशिया के पास 23,100 आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। यूक्रेन के पास टोटल आर्टिलरी की तादाद 2,798 है, जिनमें से 785 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं और 2,040 टर्रेट आर्टिलरी हैं। रशिया के पास टोटल आर्टिलरी की तादाद 11,005 है, जिनमें से 6,540 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं और 4,465 टर्रेट आर्टिलरी हैं। यूक्रेन के पास जदीद तरीन 550 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, जबकि रशिया के पास ताकतवर तरीन 3,860 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर बात की जाए एयर फोर्स की तो यूक्रेन के पास टोटल एयरक्राफ्ट की तादाद 285 है, जबकि इसके मुकाबले में रशिया के पास टोटल एयरक्राफ्ट की तादाद 4,144 है। यूक्रेन के पास 42 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और रशिया के पास 790 फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। यूक्रेन का MiG-29 ट्विन इंजन जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके साथ SU-27 भी यूक्रेन का मल्टी रोल ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके मुकाबले में रशिया के पास MiG-29, MiG-35, SU-27, SU-30, SU-35, SU-57 फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जबकि रशिया का MiG-31 के बम्बर एयरक्राफ्ट है। यूक्रेन के पास 25 के लगभग डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रशिया के पास 442 डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। यूक्रेन के पास 71 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, इसके मुकाबले में रशिया के पास 495 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। यूक्रेन के पास 31 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रशिया के पास 429 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। यूक्रेन के पास 5 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, जबकि रशिया के पास 130 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं। यूक्रेन के पास टोटल हेलीकॉप्टर्स की तादाद 111 है, जिनमें से 34 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। रशिया के पास टोटल हेलीकॉप्टर की तादाद 1,540 है, जिनमें से 538 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं।
नजरीन मोहतरम, अगर बात की जाए नेवल फोर्स की तो यूक्रेन के पास 25 नेवल फ्लीट्स हैं, जबकि रशिया के पास 603 फ्लीट्स मौजूद हैं। यूक्रेन के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं, जबकि रशिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। यूक्रेन नेवी के पास एक भी सबमरीन नहीं और रशिया के पास 64 के करीब सबमरीन्स हैं। यूक्रेन के पास एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं, जबकि रशिया के पास 15 के करीब डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं। यूक्रेन के पास एक फ्रेगेट है, जबकि इसके मुकाबले में रशिया के पास 11 फ्रेगेट्स मौजूद हैं। यूक्रेन के पास एक भी कॉर्बेट मौजूद नहीं, जबकि रशिया के पास 85 कॉर्बेट्स मौजूद हैं। यूक्रेन के पास 11 पेट्रोल वेजल्स हैं और रशिया के पास 55 के करीब पेट्रोल वेजल मौजूद हैं। यूक्रेन के पास एक माइन वारफेयर है, इसके मुकाबले में रशिया के पास 48 माइन वारफेयर मौजूद हैं। नजरीन मोहतरम, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी और कौन सा मुल्क ज्यादा ताकतवर है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।